हाय एवरीवन, इसमें हमजे एंड यूर वॉचिंग एचडी। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम देखने वाले हैं बीटीएस हॉलिडे इन लग्जरी होटल इन द डबिंग रन बीटीएस एपिसोड 150। चलो अब ओरिजिनल तो मिला नहीं, इसी से काम चला लेते हैं। और कॉपीराइट का इशू हुआ तो हमें ट्रिम करना पड़ेगा, इसलिए हम पहले ही पार्ट्स में करने वाले हैं इसको। आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, नए नए हमें बीटीएस के कंटेंट आप सजेस्ट कर दीजिए जितने आर्मी वाले हमें देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड सोने से मतलब क्या नाम रखा है? घंटी मारेंगे क्या? झूम बराबर झूम। झूम बराबर किसी को कुछ पूछना है, टकले घंटी मेरे टकले पे बजानी है। अभी मैं तो बैंड बजाने की सोच रहा था। मत कुकी, टकला सिर्फ फेंक रहा है। तो मैं डालूंगा तुम सबको होटल के बाहर जंगल में। अरे टकला जी इतना गुस्सा नहीं करते, वरना आपके अंडे से टकले का ऑमलेट बन जाएगा। थोड़ा कूल रहिए, चिल मारिए। अच्छा चिल मारू, पीछे घूमो, अभी मारता हूँ चिल। अबे ये हमारे बम पे डंडा तो नहीं मारेगा, हम मुझे तो लगता मुर्गा बनाएगा। एक मिनट, लीडर को मारने से पहले 100 बार सोचिए सर। लीडर होगा घर पे, मार तो इसे भी पड़ेगी। प्लीज सर मत मारना, शादी भी नहीं हुई है मेरी। अबे पीछे मुड़ो, ये घंटियां बजाऊंगा तुम लोगों की बैंड नहीं, और इस घंटी की सही धुन सुन के तुम सबको बजा के दिखानी है। अबे ये तो मेरे दाएं कान का खेल है। म्यूजिशियंस हैं, कर ही सकते हैं। अभी घंटी में घुस जा तू। लीडर की तो हां, मन में क्या बोले मुंह पे बोल दे फट्टू। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट साउंड। धीरे-धीरे बजाना, बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट नहीं। ओके ओके, ट्यून सुननी है और फिर आके वो बजानी है। ये तो सारे गामा पाधानी बजाया है। ये पादा पादी मुझे नहीं पता। अबे पादा पादी नहीं, पाधानी बोल रहे हो? सारे गामा पा सा बजाइए, पा में क्या रखा है? किसी हद तक हुआ। क्या शार्प मेमोरी लौंडे की, इसीलिए तो अपन को सब गोल्डन मैकनी कहते हैं। मुझे चिमटी मिल गया मजे। अरे बाकियों की तो देखो। मंदिर की घंटी समझ के बजा ली। गलत है,
वही है वो भी। होली मोली ऑरेंज गलत हो गया। अब मैं बजाऊंगा। सारी घंटे तो सेम ही साउंड कर रही है पाधा निशा। लास्ट में क्या बजाया था? ब्लू बजा ब्लू, नहीं पर्पल पर्पल, कौन सा बजा? ये अदा तेरी की देख, वो भी हार गया। ओहो हो गलत है, ट्रायल था ये। लास्ट वाला गलत हो गया। चल यहां से निकल। थारा भाई ऐसा बजाना कभी सुनी नहीं होगी। हां देख लेते हैं थारा भाई क्या कर लेते हैं। बहुत मुश्किल था। कोई तो बजा लो सही धुन, इस बार तो सही बजाऊंगा। ओए जिमिन तूने भी बेइज्जती कराई है। ऑरेंज वाला सारे घंटे में मुझे लगता है ब्लू वाला बजाना, नहीं ऑरेंज बजा। आदत की हारा जो हो भाई, ऐसी घंटी बजा कान के। क्यों चेंज करो यार, काफी टफ थी। तो फाड़ना हमारे कान भी है, ये तेरे भी है। फाड़ो बे शांति रख। स्कूबी डू कॉन्ग्रेचुलेशन होता है वो। हॉबी कुकी के साथ बैठ जा तू। जा भाई जा, ऐश कर, मजे कर भाई। दूसरे का बैंड बजा बजाते हैं भाई, पकड़े हॉबी भाई। हो माना तेरा, तालियां बजाओ मेरे लिए। मन तो कर रहा है दोनों को तबला बजा दें। अबे इधर से बात करो, लग्जरी रूम वाले हम। ये बोल कौन रहा है बे? ताले चलते हैं। चल कुकड़े कहीं के। ए काले और सफेद बाल वाले दोनों निकलो यहां से। बस बहुत हो गया। चलो हॉबी भाई रूम में। चल कुकड़ा कहीं का। हॉबी भाई रूम में चलो। गेम के पास चलेंगे। नेक्स्ट गेम का नेम है जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। मैं रूम से सामान उठाने के लिए एक्साइटेड हूं। मैं शैंपू की बोतल ऊपर से छान करके एक्साइटमेंट चेक कर रही हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? अरे बोलिए सर। मेकअप अच्छा मजे से निकली। मेकअप करके पार्लर में जाना गलत, लड़कों के पैसे से शॉपिंग करना बिल्कुल गलत, लड़कों की जिंदगी धन करना बातें कर क्या दिमाग है जीनू का, बिल्कुल गलत। किटी पार्टी में अपने सास की बुराई करना बिल्कुल गलत। अरे बको चुगली करना बिल्कुल सही। तुझे कैसे पता तेरी गर्लफ्रेंड है? सही बात है, वही बातें करना। चुगलियां ना करे, खाना पचना, गॉसिप करना, इसीलिए तो गॉसिप क्वीन कहा जाता है उन्हें। मुंह का शटर लगा, लड़कियां ही देख रही है, गुस्सा मान जाएंगी। अरे बस बस बस। सेकंड क्वेश्चन है, गुच्ची बॉय कौन है? अरे पेगुआ। सही आंसर। ये मुझे भी रूम मिल गया। पेगुआ खुद का आंसर नहीं बता पाया बेचारा। इधर जाके मरूं ना। हम चारों ही रह गए, लगता है लिफ्ट में ही सोना पड़ेगा। हम तो बिना कैश के ऐश करेंगे लग्जरी रूम में। ऐसा क्वेश्चन पूछना बता ना पाई ये लोग। अब मैं विनर, ये है लूजर। तू इतना मटक क्यों रहे बे? देखो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और विनर को जीतने में टाइम लगता है। जितनी भी होटल में लिफ्ट है ना, उससे भी हाई लेवल है हमारा। हाइट की तो बात ही मत कर तू। हाश बेचारा पे दी जिमिन। हाइट लेके करेंगे क्या आईफिल टावर पे काम? आईफिल टावर के सामने जिमिन कितना क्यूट लगेगा। मैं तो हुई क्यूटी पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुगर को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? शुगर शुगर मेरे को बताने दे मेरा क्वेश्चन। वर्क ईट स्लीप गलत। जिन 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 वर्ल्ड वाइड हैंडसम की बात सुन ले। हां बोलिए वर्ल्ड वाइड फनी गाय। ऑरेंज कुत्तों से प्यार करना और हमारी बेइज्जती करना गलत। तू वर्ल्ड वाइड हैंडसम का आंसर गलत करेगा, नौकरी प्यारी नहीं तुझे। आपका आंसर गलत है। ओए मेरा आंसर नहीं, तेरा क्वेश्चन गलत है, फिर से चेक कर। मैंने एक बार कह दिया ना गलत है तो गलत है। हां शुगा मेरा क्वेश्चन है, तू बताने दो। शुगा को पसंद है बेइज्जती करना और बहुत बेइज्जती करना। शुगा को देख, बेइज्जती करना खुद की तारीफ। सही जवाब। कोई बात नहीं, तेरे को सस्ता कमरा मिल जाएगा। होटल रूम में पटाखे जला सकते हैं क्या? अरे मेरी भी टांगे दर्द हो रही है, मैं भी नीचे बैठ जाता हूँ।
हाय हाय हाय, मोहब्बत चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ और किसका है? चांदनी चौक में, मेरे घर के बाहर दूध वाले का है ताजमहल। गलत है, मेरा कबाड़ी वाला बोल रहा था ताजमहल उसका है। पाक जमीन, बोलिए सर, ताजमहल किसी का भी हो, हमें क्या मतलब? पॉइंट है। क्या सही जवाब दिया मेरे भाई? ताजमहल दिल्ली में है, खुद चल के पंजाब जा नहीं सकता है, इसका मतलब से रूम मिले। क्या लगता है हमारा मुंह कोई दरवाजा है? हम मुंह खोलेंगे, मुक्का मार मार के तेरी पीठ के बाहर निकल जाएंगे, है ना? निकल लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, इस बार इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, छोटा क्वेश्चन पूछ, चींटी जितना छोटा क्वेश्चन। ये वाला पूछ, नर्सरी के बच्चे भी बता देंगे, फनी भी है। हां तो बताओ, चींटी ने हाथी से शादी क्यों नहीं की? हाथी की बात कर रहा है या खुद की? चींटी को अपनी खूबसूरती पे इतना एटीट्यूड है, दुल्हन बनना ही नहीं उसे। हाथी भी किसी राजकुमार से कम नहीं है। क्या डब किया अभी तक? क्योंकि हाथी के दांत बाहर निकले हुए थे। मेरा क्वेश्चन नहीं सुना, टकले पे मारूंगा तेरे। रॉक पेपर सीजर कर लेते हैं, देखते कौन आंसर देगा। मैं दूंगा, आ जा देखते किसने है कितना दम। रॉक पेपर सीजर शूट। हां तो शुगा, आपका आंसर क्या है? क्योंकि चींटी को सब्यसाची वाला लहंगा नहीं मिला। सही जवाब। पीछे दो बचे। कमरा मिल गया, हम दोनों को मुर्गी से भी छोटा कमरा मिलेगा। तो टेंशन ना ले, तुझे रूम नहीं मिला ना तो मैं शेयर कर लूंगा तेरे साथ। भगवान करे तुझे कमरा मिले भी ना। कमीना होता है। अच्छा था यार, मज़ा आया देख के, और ये फनी गेम लग रहा था। मतलब अगर ये सारा गेम वो म्यूजिक वाला होता ना तो और अच्छा लगता, लेकिन दो क्वेश्चंस के बाद ही मतलब वो गेम चेंज हो गया, और उसके बाद था गेम के मतलब कुछ गेस करना था, उसके बाद सारे क्वेश्चंस से रिलेटेड ही थे, गेस करने वाली गेम ही थी। अच्छा लगा, और क्या कमाल का डब किया भाई, ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि ये मतलब ये कुछ और क्वेश्चंस हैं और कुछ और लैंग्वेज है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी, बेहतरीन किस्म का डबिंग की है, और मज़ा आ गया देख के। जिमिन और वी दोनों बेचारे बदकिस्मत हैं कि दोनों को रूम नहीं मिल रहा, लग्जरी रूम नहीं मिल रहा, मतलब छोटा रूम मिलेगा, डेफिनेटली रूम तो मिलेगा भाई, BTS है तो रूम तो मिल ही जाएगा, लेकिन बाकी सब की तरह एक आलीशान कमरा नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं। यही तो रन BTS के एपिसोड की खासियत है कि जितना हो सके रियलिस्टिक रखते हैं, ठीक है, आम शोज़ की तरह दो नंबरी नहीं की जाती। मज़ा आया देख के, आई होप आपको पसंद आएगा, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।